गुड मॉर्निंग सर, 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 मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, मॉर्निंग का मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर, यस सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, मॉर्निंग सर, मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, सबको मैंने आज अभी पहले म्यूट किया और मैं अभी बताऊंगा आज तुम लोगों के लिए मैंने टेस्ट प्रिपेयर किया ऑनलाइन चैप्टर 11 पर, तो पहले उसको समझाऊंगा। अभी प्रिपेयर कर ही रहे हैं, तुम लोग देखोगे खुद, लेकिन उसके पहले मुझे किसी एक बच्चे को अनम्यूट करना है ताकि बात वगैरह कर पाए। ठीक है, सब बात करते हैं तो जैसे लगता है कि मछली दिख रहा है, मछली बाजार में मतलब खूब ज्यादा है। किसी एक बच्चे को अनम्यूट करते हैं, तो आज किसे अनम्यूट किया जाए? शाह सत्तार अहमद सुप्रिया मेरे से इस टीम में हाथ उठाया, तो चलो आज शाह सत्तार अहमद, शाह सत्तार अहमद अनम्यूट हो जाओ। यस सर, आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, एक बच्चे और कर लेते हैं, मिठी सिंह को, मिठी सिंह अनम्यूट करो, अनम्यूट हो जाओ, अनम्यूट हो जाओ मिठी सिंह। चलो ठीक, अब मैं समझाता हूँ, अभी मैं सीधा स्क्रीन पर लेकर आता हूँ और दिखाता हूँ। पेज नंबर 47 पर जो फिल इन द ब्लैंक्स, उसका एक टेस्ट प्रिपेयर कर ही रहे थे कि तुम लोगों को क्लास का टाइम हो गया, तो वो यस सर होने पर पूरा करते हैं। चलो यहां आते हैं, फिर इसका लिंक अभी तुम लोगों को शेयर करूंगा। यस सर, दिख रहा है तुम लोगों को? यस सर, अभी बना ही रहे हैं ये वाला सारा क्वेश्चन ब्लैंक। अभी हम यहाँ क्वेश्चन टाइप कर रहे हैं, ये तुरंत एक मिनट में भी रेडी हो जाए। और फिर मैं इसे बताऊंगा किस तरह से इसे प्ले करना है। ठीक है? यस सर। और इस टेस्ट में भी सारे टॉप पर रहेंगे वो भी दिखाएं। छोटे बच्चे के रोने की आवाज सरकार सर। ठीक है, तो तुम म्यूट हो जाओ। शाह सरकार
आवाज आ रही है सृष्टि कुमारी अम्मी को जाओ सृष्टि कुमारी सृष्टि कुमारी पापा चुप सुने ना चलो जिसके घर से आवाज नहीं आ रही है मैं उसे अनम्यूट करता हूँ सुप्रिया को कर लेते हैं ठीक है सुप्रिया अनम्यूट हो जाओ यस सर आवाज आ रही है यस सर चलो ठीक है तो अभी मैं इसे पूरा करता हूँ ओके सर दो क्वेश्चन और टाइप करना बच गया है उसके बाद ये हो जाएगा The walls today. इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा पेंटेड ओके यस सर इस क्वेश्चन को मैं सेव करता हूँ दो क्वेश्चन और टाइप करना बस इतना ही होगा The two music every evening. Listen. अब बस लास्ट क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पर जो भी क्वेश्चन हम टाइप कर रहे हैं दिख रहा है यस सर यस सर सम चिल्ड्रन प्ले इन द स्ट्रीट इसका आंसर हो जाएगा आर प्लेइंग आंसर क्या होगा आर प्लेइंग वेरी गुड अब ये हो गया है रेडी अब मैं तुम लोगों को इसका लिंक हम सेंड करेंगे तुमको ओके सर ये इंग्लिश वन चैप्टर 11 पेज नंबर भी लिख देते हैं पेज नंबर 47 Page number 47. Just. Yes, sir. और यहाँ क्लास क्या है ये 3 है तो मैं यहाँ से 3 चूज कर लेता हूँ और ये हो गया गेट रेडी असाइन होमवर्क में जाते कितने डेट तक इसे अपीयर कर सकते वो मैं लिख दूंगा ओके सर 24th ऑफ जनवरी ये वाला गेम 24th ऑफ जनवरी तक एक्टिव रहेगा उसके बाद ये एक्टिव नहीं है ये हो गया लिंक को कॉपी करते हैं और अब मैं पहले से एक बार खेल कर बता देता हूँ ठीक है यस सर तो पहले यहाँ बुक देख कर तुम लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा बुक दिख रहा है ना ये पेज नंबर 47
नो सर। अच्छा ठीक है, रिफ्रेश करते हैं। और सृष्टि तुम भी अनम्यूट हो जाओ। यस सर। ठीक है, ये पेज दिख रहा है स्क्रीन पर जो मैं दिखा रहा हूँ? यस सर। ठीक है, तो इसमें इस क्वेश्चन पर, यहाँ जितना भी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पर मैंने एक गेम बनाया है, टेस्ट की। इसे किस तरह से करना है, किस तरह से आंसर करना है, वो मैं अभी करके दिखाऊं। ठीक है? ओके सर। मैं शुरू से रिवीजन कर रहा हूँ एनुअल चैप्टर का। सबसे पहले मैंने 3 को किया, फिर 8 को किया, अब ये 11 12 फिर इसके बाद। ठीक है, सिलेबस तो तुम लोग जान ही रहे। यस सर। यस सर। अब दिखाते हैं खेलना कैसे। खेलने के लिए सबसे आसान तरीका है, मैं जो लिंक भेजूंगा उस लिंक को तुम लोगों को क्लिक करना है। उस लिंक को क्या करना है? क्लिक करना है। लिंक क्लिक करने के बाद ठीक है, मैं दिखाता हूँ। लिंक क्लिक करने के बाद ये वाला पेज ओपन, पेज दिख रहा है, कुछ राउंड सब घूम रहा है। यस सर। यस सर। और फिर क्या दिख रहा है ये बताओ, ये पता चले तुम लोगों को दिख रहा है। स्क्रीन पर क्या लिखा है? एमडी अनवर स्टार। योर क्विज नेम इज एमडी अनवर स्टार। एमडी अनवर स्टार। वेरी गुड। तो जैसे तुम लोग लिंक पर क्लिक करोगे सारे बच्चे, तो सबसे पहले तुम लोगों को यहाँ पर अपना नाम लिखने आएगा। यहाँ पर अपना नाम कुछ भी लिख देना, यहाँ मेरा नाम एमडी अनवर है, तो मैंने एमडी अनवर लिख दिया। ठीक है सर। यहाँ पर तुम लोग अपना नाम लिखना। ठीक है, हियर ऑल ऑफ यू हैव टू टाइप योर। यस सर। तुम लोग अपना नाम लिखोगे और फिर उसके बाद स्टार्ट पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करना है, स्टार्ट पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा सेलेक्ट ए थीम। यहाँ पर इतना सारा थीम है, एक को सेलेक्ट कर लेना है, तो अपनी मर्जी कुछ भी चूज कर सकते हो। जैसे मेरा यहाँ शार्क मछली वाला फिश, ऊपर से कोई एक सेलेक्ट कर दो। नहीं भी करोगे तो ऑटोमेटिकली जो सेलेक्ट है उससे शुरू हो जाएगा। ठीक है? यस सर। यहाँ स्टार्ट गेम पर क्लिक कर। स्टार्ट गेम पर क्लिक करने से पहले ये खत्म कब होगा गेम, उसका यहाँ डेट दिया हुआ है, 24 जनवरी को 10:59 AM पर ये खत्म हो जाएगा। मतलब 24 जनवरी तक तुम लोग इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कर सकते हो बार बार अगर चाहो तो। यस सर। फिर स्टार्ट गेम पर जैसे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ क्वेश्चन आना शुरू हो जाएगा। ये देखो क्वेश्चन आ गया, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। रीना डैश सिंग ए फॉक सॉन्ग एट द कंसर्ट यस्टरडे। तो यहाँ पर वर्ब को सही फॉर्म में लिखना है, तो याद है तुमको रीना सिंग का क्या होगा? यस सर, सैंग। सैंग टाइप करना, सैंग टाइप करना, फिर यहाँ सबमिट पर क्लिक करना। मोबाइल में जो है सबमिट लिखा हुआ नहीं आएगा, वो एक छोटा सा ट्रायंगल आएगा, उसको क्लिक कर देना। ओके सर। ये ओके सर। यहाँ देखो करेक्ट लिखा हुआ आएगा, अगर करेक्ट आंसर होगा तो करेक्ट लिखा हुआ है और 720 पॉइंट्स मुझे मिले। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जी सर। आई डैश लिसन टू म्यूजिक एवरीडे। तो क्या हो जाएगा यहाँ? लिसन सर। लिसन। लिसन का लिसन नहीं होगा। फिर इसके बाद सबमिट पर यहाँ पर क्लिक करना है। मोबाइल में सबमिट नहीं भी लिखा हुआ रहेगा, तो एक ट्रायंगल सा शेप रहेगा, उसको क्लिक करना। यस सर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मिल गया मुझे, क्या मिल गया? शी डैश पेंट द वॉल्स टुडे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पेंटेड। पेंटेड। वेरी गुड।
प्रिंटेड हो जाएगा फिर हम लोग सबमिट। फिर उसके बाद देखो क्या वी कॉल्ड ऑफ द मैच एज इट डैश स्टार्ट रेनिंग क्या हो जाएगा Had started. Very good. Had started. लिखकर ठीक कर दिया। ये भी करेक्ट हो गया। कुछ भी wrong करोगे तो wrong। कि बीच में तुम लोगों को power मिलेगा। ये power है 50-50 वाला। एक question को हम लोग eliminate कर सकते हैं। Fill in the blanks with the correct form of the verb. You ought to obey your elders. क्या हो गया यहाँ पर आंसर? Obey. Very good. ये भी करेक्ट है। कुछ भी wrong करोगे तो wrong। जैसे एक wrong करके भी लिखा है। Children dash watch a funny movie. क्या हो गया? Watched. तो इसका आंसर तीन आंसर इसका सही है। Watched भी, are watching भी और were watching. तीनों आंसर में से कोई भी कुछ लिखता है तो उसका आंसर सही होगा। तो मैंने लिखा है आर वॉचिंग। बुक में तुम लोगों को लिखा है वॉच वो भी सही है। यहाँ टाइप करना है आर वॉचिंग। ठीक है समझ गए? यस सर। अब ये लास्ट क्वेश्चन बोलो क्या होगा। रहा डैश द बुक व्हेन वाज रीडिंग ये भी करेक्ट। सारा सही बना दिया। अब वो लास्ट क्वेश्चन मिया डैश हर होमवर्क नाउ क्या हो गई? इज डूइंग। ये भी करेक्ट। अब मेरे ख्याल से ये गेम खत्म हो जाएगा। इट इज ऑल डन। कांग्रेचुलेशंस। तो अब यहाँ तुम लोग अपना डिटेल्स देख सकते हो। यहाँ पर तुम लोगों का नाम लिखा हुआ रहेगा और 100% सारा क्वेश्चन का आंसर किए तो यहाँ 100% लिखा हुआ रहेगा। और उसके बाद रैंक वन है। अभी सबसे पहले इस गेम को मैंने ही खेला है तो यहाँ पर मेरा रैंक वन में वन है। और बैज, ये बैज मिल गया है और स्कोर 8400 पॉइंट्स आ गए। इतना सारा 8400 पॉइंट्स आ गए। और प्ले अगेन पर क्लिक करके फिर से खेल सकते हो। और यहाँ 9 क्वेश्चन करेक्ट हो गया और इनकरेक्ट में 0, मतलब कुछ भी रॉन्ग नहीं किए तो यहाँ 0 है। और टाइम हर एक क्वेश्चन को करने में लगभग 21 सेकंड्स लगा। और स्ट्रीक 9 स्ट्रीक है, मतलब वो पावर। और यहाँ सारा क्वेश्चन है वो आंसर के साथ यहाँ देख सकते। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब Reena dash sang a folk song at the concert yesterday. This answer sang. Reena sang a folk song at the concert yesterday. इस तरह से सारे क्वेश्चन का आंसर है। कोई भी आंसर अगर रॉन्ग करो तो यहाँ पर ये ग्रीन के बजाय वो रेड हो जाए। ये जो साइड में देखते हो ना, लेफ्ट साइड में ग्रीन लाइन, yes, sir. वो रेड yes, हो जाएगा sir. अगर तुम आंसर रॉन्ग करो। कोई भी आंसर रॉन्ग करोगे तो वहां पर वो रेड होगा। इस तरह से आंसर करना है। अब मैं इसका लिंक कैंपस केयर में तुम्हें को सेंड। ओके सर। कैंपस केयर को भी स्क्रीन पर खोल रहे हैं। दिख रहा है कैंपस केयर? यस सर। यस। यहां से होमवर्क सेंटर, मतलब होमवर्क वाले सेक्शन जहाँ होमवर्क। ओके सर। इस तरह से चैप्टर 11 का आज इस तरह से टेस्ट हो जाएगा। गेम का गेम भी हो जाएगा और प्रैक्टिस का प्रैक्टिस भी हो जाएगा, है कि नहीं? यस सर।
असाइनमेंट। फिर यहाँ आएंगे न्यू पर होमवर्क, जिसमें देते वहां चेक करना है ना होमवर्क। यस सर। स्टूडेंट नाउ इस लिंक को मैं दो तीन बार पेस्ट कर रहा हूँ। सब्जेक्ट इंग्लिश वन है ना? यस सर। यस सर। अब मैंने सेंड कर दिया है यहाँ पर। प्लीज वेट, मेरे ख्याल से एक से दो मिनट तक ना। हाँ जा चुका है, सारे बच्चे अपना खुद का तुम लोग चेक कर सकते हो कैंपस को। ओके सर। और तुम लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड कर दूँ, व्हाट्सएप ग्रुप। यस सर। लोग आता हूँ ये हम बादाम कल को खेले ला क्या खेले रही सर। व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैंने भेज दिया है, सारे बच्चे इस टेस्ट को टेस्ट देना अच्छी तरह से। टेस्ट देने में मजा आएगा, फिर इसका रिजल्ट मैं कल नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा। ठीक है? ओके सर। और ये जूम का जो चैट बॉक्स है यहाँ भी सेंड कर देते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं। मैंने सेंड कर दिया, देखो सबको जा चुका है। मिल गया? यस सर। विश्राज वो अपना बाल ही संभाल रहा है, वो हीरो समझ रहा है। देखो विश्राज अनम्यूट हो जाओ। यस सर। कुछ सेंड किए हैं, लिंक पर क्लिक करो और टेस्ट में अपीयर हो। सर कैंपस केयर नहीं, मेरा कैंपस केयर बंद हो गया है ना, तो सर यहाँ जूम जूम के चैट पे देख रहा है। ठीक है, जूम के चैट बॉक्स को भी देख सकते हो और व्हाट्सएप ग्रुप भी देख सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप में सर नहीं आया। सेंड कर चुके हैं, तो ये सही है। मेरा व्हाट्सएप स्टेटस भी देख सकते हो, स्टेटस में भी हम लगा देते हैं। और Zoom का चैट बॉक्स थ्री बी का व्हाट्सएप पे हमको 3A का व्हाट्सएप पे नहीं। मेरे स्टेटस से दे दो। मेरा व्हाट्सएप स्टेटस से ले लो वहां से। ठीक है? यस सर। व्हाट्सएप स्टेटस भी मैंने लगा। और आज के लिए इतना ही, अब तुम लोग इस टेस्ट को टेस्ट दो और कल मैं रिजल्ट बताऊंगा कि कौन टॉप पर रहा। ठीक है? अब तुम लोग इस टेस्ट को आराम से टेस्ट दो, मैं सबको करता हूँ अनम्यूट बाय बोलने के लिए। Bye everyone. Bye sir. Bye sir. Bye sir. Bye sir. Bye sir. Bye sir. Thank you sir. Bye sir. Thank you sir.
Bye sir. Bye sir. Thank you sir.